अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नैना सेना आपके फेवरेट प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद ऑन न्यूज़ के साथ आ चुकी हैं आपके लिए लेकर बहुत सारे और सितारे। जी बिल्कुल, रोज़ हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, उन सेलिब्रिटीज़ को आपसे मिलवाते हैं जो कि अपने अपने शोबे में बहुत ज़्यादा नामवर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनके फेमस होने की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। कुछ एक्टिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो होते हैं वो मॉडलिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए जो बेसिक चीज़ है वो होती है जनाब खूबसूरत नज़र आना। और ख़ूबसूरती को बरकरार कौन रखता है? आज हमने उन सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे दावत दी है ताकि वो आपको आकर बता सके, कुछ आपको भी हसीनो जमील बना सके, कुछ टिप्स दे सके आपको और आपके जो क्या होते हैं पहनावे होते हैं, आपके हेयर स्टाइल्स होते हैं, आपके फेस के मुताबिक, आपके लैशेस के मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सूट करती हैं नहीं सूट करती, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगी। हमारे साथ हैं जी बहुत मशहूर ब्यूटिशन हैं, अपना पार्लर चलाती हैं, इसके अलावा फैशन शोज़ के जो मॉडल्स आपको बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, हालांकि वो होती नहीं है इतनी खूबसूरत लेकिन नज़र आ रही होती हैं, वो जिनकी वजह से नज़र आ रही होती हैं जनाब, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत और उनका नाम है जी मरियम। मरियम हमारे साथ है और मरियम से करते हैं हम बात, उसके बाद आपको एक और अजीम और हसीन हस्ती से मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। मरियम, आपने माशाल्लाह से बड़ा मैचिंग शर्ट के साथ, अभी मैं यही बात कर रही थी, लाइनर लगाया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको बचपन से शौक था या आपने कोई बड़े होके आपने कहा यार बाहर अंदर निकलना होता है तो जरा कुछ ग्रूम कर लें अपने आप को? एक्जैक्टली ना, बचपन से कुछ शौक था, कुछ फील्ड में जब आई हैं तो बहुत सी चीजें सामने नजर आई हैं। ठीक है, वो फिर उनको फॉलो किया है और आगे लोगों को भी फिर वो दिखाया, लोगों को भी दिखाई है, बता रही हैं कि ये चीजें ऐसी हैं। कभी कभी आप ऐसा भी होता है, आप ड्रेस बहुत अच्छा खूबसूरत पहनते, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन जब तक मेकअप हेयर स्टाइल ना हो तो कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, मरियम से बाकी बात मजीद और करते हैं, लेकिन मरियम के साथ एक ऐसी बैठी हुई है हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत मॉडल हैं जी, अब अदाकारी में नहीं अभी आई, अभी सिर्फ वो मॉडलिंग में आई हैं और मॉडलिंग ही करना चाहती हैं और उनको भी इन्होंने ही हसीनो जमील बनाने की कोशिश की है लेकिन फुल नहीं की, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सोचती हैं कि हर वक्त हसीन ने नज़र आना चाहिए, नज़र नज़र लग जाती है। तो हमारे साथ हैं जी बहुत ही प्यारी सी मासूम सी भोली भाली मॉडल हैं, तो हया हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। जी हया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। हया, आपने अपना नाम हया क्यों रखा? आजकल जितनी बगैरती चल रही है तो आपने अपना नाम हया शायद इस डर से तो नहीं रख लिया कि मेरा नाम ही हया होना चाहिए, बस ठीक है? नहीं, अच्छा नेम है इसलिए। अच्छा नेम है, आपने खुद ही रखा है? जी खुद ही। समझ आ गई अब आपको, मतलब मैं की पूछे ऐसे बड़ा हो गया ना रखे जरा असल ना हो रहेगा। तो खैर, ये इंडस्ट्री के जो नेम्स होते हैं हया काफी सारे चेंज होते हैं, मतलब आपके रियल नेम कुछ और होते हैं, क्या रियल नेम इतने प्यारे नहीं रखे जाते जो हम इंडस्ट्री में आके चेंज कर लेते हैं? प्यारे होते हैं लेकिन इंडस्ट्री के लिए हमें अट्रैक्टिव नाम चाहिए होता है। ठीक हो गया, और अच्छा नाम है हया, इज गुड नेम। तो आपसे हम बात करेंगे फिर कि ये जो हम अक्सर देखते हैं कि ख्वातीन ने बड़े महंगे महंगे ड्रेस पहने होते हैं लेकिन मुंह पे फिर वही फटकार पड़ी होती है, ये क्यों होता है ऐसे? ये बिल्कुल ऐसे होता है, एक तो वो स्किन का ख्याल नहीं करती है, स्किन का ख्याल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करती और नींद भी उनकी बहुत डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप, खास तौर पे मैं मॉडल्स के लिए ये बात कहूंगी कि उनको अपनी डाइट का और स्किन का बहुत ख्याल करना चाहिए जो कि वो नहीं करती। तो स्किन एक ऐसा है कि आपको पता है कि फेस, अब आप देखें हम लोग बैठे हैं, कैमरा ये हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। उसकी तरीका कार यही है कि आप सुबह उठें, उठ के अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखें, पानी पिएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, इतना ज्यादा पानी पिएंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो बाकी ये है कि अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लोग कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, जो नहीं करते फिर वो डल लगना शुरू हो जाते हैं, वो आपके सामने ही है। सही,
तो पानी ही, मैंने काफी लोगों को ये कहते सुना है जी पानी पिए पानी पिए, काफी सारे लोग कहते हैं जी पानी पीते हैं तो पेट बाहर निकल आता है. नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता. नीम गर्म पानी पिए, नीम गर्म पानी पिए, ये बात भी बताया ना साथ, पानी पानी पे जोर दिया होता है, ऐ नहीं डालते भी गर्म करके पिए, नीम गर्म पानी पिए, कोसा करके पिए, मतलब ये है जी. और उससे कभी भी नहीं ऐसा होगा. ये जो मैंने सुना की चाइनीज है ना हमारे हमसाये जनाब, तो एक तो उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं और एक उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, फ्रेश स्किन और टाइट स्किन होती है, रिंकल्स नहीं पड़ते. हमारे यहाँ पे अभी बंदा मेरा ख्याल है 35 या 30 में होता है, रिंकल्स पड़ जाते, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और खवातीन हमारी यूं चल बैठती है. हाँ, और आपने देखे चाइनीज मेरा ख्याल 90 का भी होगा ना, कभी ऐसे नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे ना उनकी औरतें ना मर्द, क्या वजह है? वो एक्टिव है, हम लोग बहुत ज्यादा सुस्त हैं, टिल्ले हैं, की मसला की सारे एक्टिव है, वो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है. हम लोग आराम कर करके हम आराम प्रस्त हो गए हैं और बैठते भी हैं, कहीं पे भी हमें बैठना होते असि कोशिश करने को थोड़ी देर बाद ना एंजो हो जाइए, लंबे ही हो जाइए. मैंने बड़े लोगों को देखा है, मतलब आएंगे ऐसे बैठे रहेंगे, थोड़ी देर होगी यूं हो जाएंगे, थोड़ी देर होगी यूं हो जाएंगे, मतलब लंबे होते होते खीर उनकी टांगे बिल्कुल सीधी हो जाती है. मतलब उनको ये नहीं पता होता कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं. वो कहते हैं अपनी रिलैक्सेशन देखो, वो लंबे होते 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 लंबे हो जाएंगे, कुर्सी ते लंबे हो जाएंगे, कुर्सी को बैठ समझ लेंगे. तो खैर ये जो चीजें होती है ना, मतलब कि उन लोगों में एटिकेट्स बहुत ज्यादा है, बहुत हम लोगों में एटीट्यूड भी नहीं है, हम लोगों में एटिकेट्स भी नहीं है, ये सारी चीजों की कमी है जिसकी वजह से हम हर जगह पे अपने आप को ईजी फील करा देते हैं, ईजी फील कराते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है. सही कहा. तो हया मुझे ये बताइए कि आप ये जो अभी इस वक्त इस तरह से बैठी हुई हैं, तो कौन सा टाइम आएगा 2-4 साल बाद जब आप यूं हो जाएंगी? टाइम तो ऐसा हो सकता है नहीं है, तो मैं अपने आप को एक्टिव रखूं तो ऐसे ही बैठी हूं. अपने आप को एक्टिव रखूं तो किसने रखना है अपने आप को एक्टिव? ये हम खुद ही रख रहे होते हैं जी, खुद ही. तो आपने क्या सोचा कि आप बड़ी मतलब खूबसूरत दिखती है इसलिए मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, या किसी मॉडल से इंस्पायर हुई हैं आप? मॉडल से इंस्पायर हुई हूँ. मॉडल से कौन सी? एमन खान. एमन खान से. अच्छा जी, तो वो आई लाइक. अच्छा आई लाइक हर, ठीक हो गया. तो आजकल पता भी नहीं ना चलता लड़कियों के नाम लड़कों ने रखे हुए, लड़कों के लड़के ने रखे, तो एमन किसी लड़के का भी हो सकता है. नहीं नहीं, लड़की का ही. लड़की का है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं. मतलब बंदा बंदी से भी इम्प्रेस हो सकता है और बंदे से भी हो सकता है, इसमें कौन सी बात है, बंदे भी खूबसूरत आ जाते हैं कभी कभी, है जी. अच्छा मुझे ये बताइए, अक्सर हमने देखा है औरतों को ये जुनून है, ठीक है, जुनून है. सादी से सादी औरत भी होगी तो उसने भी मुंह पे कोई आधा पाव मेकअप तो लगा ही लिया होता है, सादी औरत ने भी, ठीक है. तो ये जो बंदे होते हैं, उस दिन भी हमारी एक ब्यूटिशियन यहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने काफी सारे मेंस को पूछा, अपने कॉलर्स को पूछा, अपने फैंस को पूछा कि क्या आप हसीन होना चाहते हैं, कोई टिप लेना? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं जो हुआ मैं ठीक है. मैंने फिर अगले से पूछा, मैंने कहा आप कोई नुस्खा को टिप? नहीं जी नहीं, मैं जितना मैं ठीक. मर्दों को एक रत्ती भर कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं है कि जी असी भी सोने नहीं है. वो कहंदे ने वी आर वेरी मच सोने, आओ तो वो कहंदे ने असी सोने हैं, असी परफेक्ट है. औरतों में कॉम्प्लेक्स क्यों भरा हुआ है, कोई रीजन है आपके पास इसके? औरतों में कॉम्प्लेक्स बस ये है कि जब उनके मर्द हजरात घर जाते हैं तो वो किसी औरत की तारीफ करते हैं. अच्छा, तो वो जाहिरी सी बात हो गया. हमारे साथ कॉलर है, मेरा ख्याल ये भी कोई तारीफ ही करने आए हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, काड़ा से. सिद्रा काड़ा से, कैसी हैं आप सिद्रा? आपने पहले भी मुझे कॉल किया था? नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम कॉल किया. फिर एक काड़ा से और मेरे व्यूअर्स हैं, उनका नाम भी सिद्रा, उन्होंने भी मुझे कॉल किया था. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जब बोलती है ना तो आप बहुत प्यारी लगती है. अच्छा, बोलती हैं बहुत प्यारी. जब आप पंजाबी बोलती हैं तो आप इतनी प्यारी लगती हैं. अच्छा, पंजाबी बहुत ही सोनी लगती हैं. हाय हाय, मैं सुनिया खुले वाला कुड़ी सोनी लगती है, पोनिया करके सोनी लगती है, लिपस्टिक ला के सोनी. ए पहली बार सुननी पई है कि मैं पंजाबी बोलनी तो मैं होर सोनी लगना. हाँ जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सिद्रा, थैंक यू वेरी मच. जी जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ रहिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं. बैठी हुई यहाँ पे ब्यूटिशियन हमारी, यहाँ पे हमारी मॉडल बैठी हुई है, इनसे कोई गपशप लगाना चाहे, कोई टिप्स लेना चाहे, कोई ब्यूटी की टिप्स लेना चाहे तो आप ले सकती हैं, ठीक है जनाब? तो घबराना नहीं है, और जो मर्द हजरात है वो भी कर सकते हैं. असं नहीं दसांगे, तुसी कुड़ी दी आवाज काट के साडू गल कर लो. आहो, मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि या इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है कोई आपस में, कोई एक बंदा तो होता है ना कि जो कह देता है कि यार मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहता हूँ. मैं कहनी उका ही नहीं किसी ने क्या, मैंने मेरा ख्याल है कुछ 8 से 10 लोगों को पूछा
कि आपने कोई ब्यूटी कहता ना जी ना असी जो ठीक आ वाह असी पागल दे बच्चे असी पीछे पे हो यहाँ कॉलर है जी हमारे साथ उनसे करते हैं बात हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम नैना सुनाना जी सुना कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाइए कैसे हैं ठीक है ठीक है आपकी उर्दू भी अच्छी है माशाल्लाह पंजाबी जब आप बोलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है आज मेरी पंजाबी की तारीफ हो रही है फुल टाइम क्योंकि मैं पंजाबी मेरा ख्याल आज प्रोग्राम से ज्यादा बोल रही है ठीक हो गया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल किया मुझे ये बताइए आपको कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए या हमारे पास ब्यूटिशियन बैठी हुई है कॉल ड्रॉप हो चुकी है और इनको नहीं चाहिए उन्होंने पता सी पहला मैं यही क्वेश्चन करना क्योंकि वो आप दोनों का अच्छा हमारे पास कोई सिंगर बैठा होता ना दे दड़ादर उनको फरमाइशें आ रही होती हैं इनसे कहे कि ये सुना दे इनसे कहे साथ में कोई भी बैठा हो वो बदर नहीं करते इनसे कहे आज उनको पता ना सिंगर नहीं है मेरी पंजाबी दे पीछे क्योंकि उन्होंने ना तो ब्यूटिशियन ना काम है ठीक है ना उन्होंने मॉडल ना काम है लेकिन देखे फिर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है ठरकी किस्म के पाए जाते हैं लेकिन मैंने फील किया है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं माशाल्लाह से वो ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैं गुड अच्छी बात है कॉलर है जी मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नैना सुनन जी आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी जनाब आप चले गए थे मैं तो आपसे बात कर रही थी आपका फोन कट गया जी जनाब बताइए बताइए जनाब मैं सुबह से आपको प्रोग्राम का वेट कर रहा हूँ अपने मरीजों को छोड़ा हुआ है वो ताड़ी खैर हो जाए मरीज ना छड़िया करो ताड़ी मेहरबानी है मरीज मेनू बदवा देंगे और मेनू कोई अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ गूगल से आगे अब्दुल मजीद गूगल से 20 किलोमीटर आगे वाले कैसे हैं आप ठीक है शरीयत है आपकी जबान पंजाबी जबान बहुत ही जबरदस्त जबान है पंजाबी जबरदस्त है थैंक यू वेरी मच ते मरीजा नु पाजी टाइम ना चेक कर ले करो अब्दुल मजीद साहब वधिया गल नहीं होंदी हैं जी मरीजों को चेक कर लिया है इसी वजह से आज थोड़ी सी लेट हो गया वरना फर्स्ट कॉल मेरी होना थी हाँ फर्स्ट कॉल आप करते होते हैं मुझे बिल्कुल याद है आप करते हैं आज वो सिद्रा नंबर ले गई सिद्रा काड़े से थी वो काड़ा मेरा ख्याल नजदीक पड़ता है इसलिए वो जल्दी पहुंच गई अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ये जी हमारे रेगुलर कॉलर है Good. ये हमें अक्सर ही कॉल करते हैं और सबसे पहले ये कॉल करते हैं तो है। मैं इन्हें ये पूरा एड्रेस बताते होते हैं अपना कि ये कस्बा ये जिला ये फलाना टिंगड़ा ये गली नंबर और ये मकान नंबर मैं क्या सही है अच्छा ये बात तो खैर मैं भी कहूंगी कि वाकई पंजाबी आपको बहुत सूट ठीक हो गया ना मतलब मैं उर्दू ना कुछ फेस ऐसे होते हैं ना कि वो लुक जो है ना बिल्कुल वो वही आती है सही हो गया तो जनाब पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है उसको प्रमोट करना चाहिए तो मुझे ये बताइए कि काफी सारी फेसेस होते हैं क्या उनको भी कुछ को हम वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाना चाहते हैं कुछ को ईस्टर्न पहनाना चाहिए क्या फेस पे भी डिपेंड करता है कि इसको ईस्टर्न लुक आएगी अच्छी या वेस्टर्न अच्छी आएगी बिल्कुल फेस पे डिपेंड करता है फेस पे भी हाइट पे भी और बालों को भी देखना पड़ता है बालों को भी देखना पड़ता है उस हिसाब से फिर वो मैनेज करना पड़ता है उस हिसाब से मैनेज करती तो ये सारी क्या आपने कोई कोर्स किया किसी कॉलेज से किया या आपने किसी ब्यूटिशियन से कोई वैसे ट्रेनिंग ले ली जीनीस की बहुत सी क्लासेस ली हैं और अभी भी ले रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये होता है हाँ कैसा है मेकअप और ये सलोन के काम ये कभी भी नहीं स्टॉप होते नई से नई नई जिद्दत आती जाती है नया मेकअप आता जाता है नए स्टाइल आते जाते हैं हेयर कट नए आ जाते हैं मेकअप स्टाइल नया आ जाता है आजकल हेयर कलर आप देखें अच्छा आपको आजकल कौन सा कलर चल रहा है ब्लॉन्डर चल रहा है ब्लॉन्डर वन शेड चल रहा है वन शेड ब्लॉन्डर में चल अब हाईलाइट थोड़ा कम हो गए हाँ और ब्लॉन्डर ज्यादा चल रहा है पर वो ब्लॉन्डर कुछ अच्छा तो नहीं लगता मेरा ख्याल ये कुछ दिन रहेगा ब्लॉन्डर का ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही एश ब्लॉन्ड और नो नो कुछ थोड़ा सा डल में होता थोड़ा डल में होता डल में होता है हाईलाइट करके उसके ऊपर फिर वन शेड करते हैं तो वो ब्लॉन्डर में आ जाते हैं तो वो आजकल माशाल्लाह वो इन हुआ हुआ है ठीक हो गया तो मुझे ये बताइए आपकी तरफ आते हैं मैंने कहा आप सो ही ना जाए बैठी बैठी सोना नहीं है तो आपको कभी कभी ऐसे हुआ कि आप जब रैंप पे जा रही हो तो आपको डर लगे कि यार मैं अब जाऊं चलूं कि ना चलूं मैं गिर ना जाऊं ऐसा कोई फीलिंग आती है फीलिंग्स आती हैं अच्छा इतनी ज्यादा नहीं आती मगर आती जरूर है आती जरूर है तो कभी गिरने की कोशिश की आपने नहीं भी देखे गिरने से भी बंदा मशहूर हो जाता है क्या हो गया आपको ऐसी बात नहीं गिरने से भी मशहूर होती है बताइए बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं बहुत सी मॉडल्स ऐसी हैं जो खास कर गिरने की प्रैक्टिस करके गिरती हैं और फिर वो वायरल हो जाती है और मशहूर हो जाती है वो क्या कहते हैं
बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, है जी। तो काफी सारी सेलिब्रिटीज हमारे इर्द-गिर्द, एक्टर्स भी ऐसी हैं, सिंगर्स भी ऐसी हैं, और मॉडल्स तो बहुत ज्यादा इस फील्ड में आगे निकल चुकी हैं, वो बड़े अजीबोगरीब वाकयात कर लेती हैं जी अपने साथ। ड्रेसेस में भी हो जाते हैं, ड्रेसेस में हो जाता है, समझते तो गए हो ना, तो अगो तफसील ना पूछा करो, ठीक है, इमेजिन करो, इमेजिन, यू कैन इमेजिन, नो बाउंड्रीज ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा, तो आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करती हैं या आप? मैं ज्यादा जीन्स पहना, जीन्स शर्ट हो गई, जीन्स शर्ट, ये तो कैजुअल होता है ना, घर च भी बंदा यही पहनता है, मतलब घरों उठे इंज करके जाके रैम कीता वापस आ गया। नहीं, यू वांट दिस? नहीं, कोई मैक्सी फ्रॉक सलवार कमीज गरारा शरारा कोई लहंगा कोई नहीं? नहीं, जीन्स में मैंने की है। अच्छा, नहीं, दिल क्या करता है और कितने? मैं फ्रॉक में, फ्रॉक पहनने की। अच्छा, मतलब छोटे अंदर फ्रॉक नहीं पाई? अच्छा, वो फ्रॉक तो ठीक है, लेकिन अब स्टाइलिश जो फ्रॉक है। अच्छा, अब जो मतलब स्टाइलिश फ्रॉक आए हुए हैं वो पहनना चाह रही हूँ। सही सही सही, बचपना निकला नहीं अभी आपके अंदर से, जैसे ही निकलेगा फिर इनसे जब हम पूछेंगे फिर कहेंगे मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, जब ये मैच्योर खातून हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद देखिएगा, फिर कहेंगे जी मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो और जब उससे भी आगे निकल जाएंगे फिर कहेंगे मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद करूंगी। ज्यादा आगे निकल के ना बंदा फिर बहुत पीछे चला जाता है कपड़ों के मामले में। तो खैर जी, अच्छी बात है। तो आप क्या समझती है इनको, इनकी हाइट इनके फिगर के हिसाब से क्या पहनना चाहिए? इसको वैसे जीन्स बहुत सूट करती है, जीन्स सूट करती है, लेकिन अभी आगे माशाल्लाह बहुत काम आने हैं उसमें, फिर जाहिर सी बात है हर तरह के ड्रेसेस, हर तरह के ड्रेसेस, गर्मियों में ज्यादा ड्रेसिंग का हमारा सिलसिला चलता है, और विंटर का खैर इतना नहीं होता, लॉन्ग कोट चलती है और ठीक लॉन्ग कोट चलती है और जीन्स वगैरह चलती है, तो मैक्सी इसको सूट करती है। ठीक हो गया, वेरी गुड जी। काफी चीजें काफी लोगों को बहुत ज्यादा सूट करती हैं, और हमारे यहाँ पे जो सिंगर आते हैं उनको सराइकी और पंजाबी गानों की इतनी फरमाइश आती है कि वो बेचारे बंदे हाथ जोड़ देते, वो कहते हैं हम इतने सराइकी गाने कितों लेके आइए, बिकॉज दे आर नॉट बिलोंग टू सराइकी, तो वो सराइकी जो है उनको भी नहीं इतने आते होंगे जितनी फरमाइशें आ जाती है, बिकॉज कॉलर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हमारे पास मौका है क्योंकि हमारे पास है एक मॉडल और एक ब्यूटिशियन, और सिंगर कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ एक सराइकी सॉन्ग, और साथ में लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वेट कीजिएगा।